हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं सुमन वैस हूँ। प्रोफेशनली मैं सेफ हूँ और मैं एचओडी लेवल पे वर्क करती हूँ। अभी मैं लॉकडाउन पे लखनऊ आई हूँ, तो अमूल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के सामने कुछ डिश लेकर आऊँ। थैंक यू अमूल, एंड थैंक यू ईशान जी, एंड थैंक यू अभिषेक जी। और अमूल का प्रोडक्ट वैसे भी बहुत अच्छा है और कितने लोग कर रहे हैं इसका यूज़, और हर चीज़ में इसका यूज़ होता है। अमूल का मक्खन, अमूल का पनीर, अमूल का चीज़। देखिए कुछ आइटम मैंने भी रखे हैं और मैं आज बनाने जा रही हूँ शाही रोल। आप देख सकते हो इसके लिए मैंने जो है कॉर्नफ्लोर लिया है, मैदा है, टमाटर है, शिमला मिर्च, गाजर, पनीर, ग्रीन चटनी, कोरिएंडर, मक्खन, और जो भी चीज़ मैंने चॉप काटा है सब मैंने जूलियंस में काटा है, रफली चॉप है। और चिल्ली भी हम बड़े बड़े वाले चिल्ली लिए हैं, बड़े बड़े कटिंग किया है हमने, जिंजर का भी बड़े ही कटिंग किया है। साथ में मैंने जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, विनीगर एंड पिंच ऑफ टर्मरिक, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टमाटर केचप, चिली सॉस, मेयोनीज, सॉल्ट एंड ओनियन एंड अमूल का देसी घी। और मैंने कुछ सीड्स बना के रखे हैं इस तरह से रोल के लिए। आप देख सकते हो एकदम ट्रांसपेरेंट सीट है, आप देख सकते हो। इस तरह का सीट का यूज़ करके हम रोल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइव सेशन। हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। हम इसमें अमूल का घी लेंगे 2 चम्मच। रोटी सूख जाती है ऐसा क्यों? हमारी रोटी नहीं सूखी है मैडम, आप देख सकते हो। देखिए रोटी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हमने इसमें आरा रोट नहीं लगाया है, ना इसको हमने पैन में बनाया है, इसको हमने तवे में रोटी बनाई है। एक साथ 5 रोटी तैयार होती है इस तरह से, देख लीजिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा पैन गरम हो रहा है, मैं इसमें जिंजर ऐड करूंगी। आप देख रहे हो मेरा कोई भी बहुत फाइन चॉप नहीं है, सब रफली चॉप है। साथ में मैं ग्रीन चिली ऐड करूंगी और इसे हम सौते करेंगे। अच्छा, आपकी सूख जाती है मैम, इसमें आप इसको ढक के रखिए और कपड़े के साथ रैप करके, या किचन वाला रैप होता है उसके साथ रैप करके रखिए, तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने अपना रोटी बना करके इसे डब्बे में कपड़े के साथ बंद करके रखा था। फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्यूमिन सीड्स ऐड करी है। देखिए हमारा चिली हो रहा है, देखिए किस तरह से हमने चिली बड़ी रखी है, आप देख सकते हो। ओके, मैं अभी दे देती हूँ, थोड़ा सा मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूँ, ये बनाते हैं, फिर जब हम रोल बनाने लगेंगे तो मैं आपको रोटी की रेसिपी दे दूँगी। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च यूज़ करेंगे। मैंने 1 कप लिया है, 1 शिमला मिर्च 1 कप है मेरा। और ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा स्नैक्स है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। हमें इसको ज़्यादा नहीं गलाना है,
और इसकी मैं सीजनिंग कर दूंगी साथ में ही, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ले सकते हो। इसे हम चलाते रहेंगे। और इसमें हम प्याज का क्रंच मरीना, इसलिए हम बना रहे हैं पनीर सारी रोल। स्नैक्स है मैम ये, सुनने में सबको लग रहा होगा कि ये स्वीट है, लेकिन ये स्वीट नहीं है, ये स्नैक्स है। और साथ में मैं इसमें ओनियन, अब इस स्टेज पे ओनियन यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे ओनियन में क्रंच रहे, हमें भूनना नहीं है। देखिए हमारा ये हो रहा है। अब इसमें हम, हमने जो कैरेट जूलियंस करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे। मैंने 2 कैरेट लिया है और उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी इस तरह से। कोई भी चीज़ फाइन नहीं है, कोई भी चीज़ जूलियंस में नहीं है, मैंने बड़े बड़े काट के रखे हैं, देख सकते हैं आप, ताकि इसका क्रंच ख़त्म ना हो। साथ में मैं इसमें डालूंगी, मैंने जीरा पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स हम डाल रहे हैं। इन तीनों को मैं अच्छे से मिला लूंगी। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी जल्दी गलने वाली है। तो टमाटर हमारा बहुत अच्छे से जल्दी से गल जाता है, तो टमाटर को हम लास्ट में डालेंगे। इस तरह से। और देखिए इस, मैंने पनीर को भी इस तरह से लंबे लंबे जूलियंस में काटा है, फाइन जूलियंस नहीं है, मेरा लंबा लंबा जूलियंस है मैंने काटा है, मैं उसको भी ऐड कर दूंगी। फिर इसमें हम रेड चिली पाउडर ट्रांसफ़र करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चों को खाना है। और साथ में मैं इसमें टमाटो केचप डाल रही हूँ, ये भी अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आपके बच्चों को कैसा पसंद है। साथ में मैं ग्रीन चिली का सॉस डाल रही हूँ 1 चम्मच, टमाटर केचप मैंने 2 चम्मच लिया था। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। साथ में मैंने फुल हैंड कोरिएंडर लिया है, वो मैं डाल रही हूँ। और हम थोड़ा सा विनेगर लेंगे, फ्यू ड्रॉप्स, आप देख सकते हो स्पून में, ये मेरा टेबल स्पून है तो मैंने 1/4 लिया है, आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसमें हमारे सारे सॉसेस भी गए हैं और टमाटर भी अपना खटास देगा, सॉसेस भी अपने खटास देंगे। हाय हाय रुचि, रुचि कैसा लग रहा है कलर इसका, आप देख सकते हो बिल्कुल ये फाइन चॉप कुछ भी नहीं था, और खुद देखिए गल कर कितना अच्छा हो गया, गुई गुई सा हो गया ये। इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफर कर देंगे। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी
और इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगी। व्हाट आर यू मेकिंग शेफ? पनीर शाही रोल है, ये स्वीट नहीं है, ये सॉल्टी है। आप देख सकते हो इसका कलर, मुझे बहुत अच्छा एरोमा आ रहा है। नेक्स्ट हम चलेंगे रोल की तैयारी करने के लिए। रोल बनाने के लिए मैं प्लेट लूंगी एक। अच्छा फ्रेंड्स, हम रोल के लिए हमने आपको दिखाया था कॉर्नफ्लोर, मैदा, ब्रेड क्रम्स हम यूज करेंगे। तो मैं एक बाउल लूंगी और उसमें आप देख सकते हो कॉर्नफ्लोर का मेजरमेंट है 1/2 कप मैंने लिया है। आप देख सकते हो ये 1/2 कप मेरा कॉर्नफ्लोर है। किसी को कोई भी क्वेरीज हो, रेशियो का कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। और फिर मैं लूंगी इसमें मैदा। मैदा इसमें हम 1/4 डालेंगे। और मैं इसमें थोड़ी सी सॉल्ट का यूज करूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और पानी के साथ इसे अच्छे से हम घोल लेंगे। इस तरह से 1/2 कप आपको कॉर्नफ्लोर लेना है और 1/4 कप हमें मैदा यूज करना है। और पिंच सॉल्ट यूज कर सकते हो और इसमें आप चाहो तो रेड चिली पाउडर, चाट मसाला डाल सकते हो, ऑप्शनल है, मैंने यूज नहीं किया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो, देखिए हमारा घोल बनकर रेडी हो गया है। ना ही ये पतला है ना ही ये गाढ़ा है। मैं इसको स्पून की मदद से आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, देख सकते हैं। बेटा इधर दिखाना, ये देखिए इस तरह से इसको हम लेंगे। गैस का फ्लेम मैं ऑन करूंगी। इसमें हम ऑयल का यूज कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग रेसिपी है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, काफी अच्छा है और आपके बच्चे काफी एंजॉय करेंगे। तो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा ऑयल गर्म होने के लिए तैयार है और अब हम एक प्लेट लेंगे। आप देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक प्लेट लेंगे और उसमें ये सीट रखेंगे। देखिए आप, इस तरह से हम सीट रखेंगे। और मैं चीज स्लाइस का यूज कर रही हूँ। इस टाइप के चीज स्लाइस हैं, इस टाइप के जो हम सैंडविचेस में यूज करते हैं, उस चीज स्लाइस को हम यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हो हम दोनों रैपर ओपन कर लेंगे। इस तरह से अब इसमें मैं थोड़ा से केचप लगाऊंगी कुछ तरफ
और किसी तरफ मैं लगाऊंगी थोड़ा सा चिली सॉस। आप इसमें चटनी का भी यूज़ कर सकते हो, जैसा मैंने ग्रीन चटनी बनाया है आप देख सकते हो, आप ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हो। तीनों को मिलाकर एक बोल में आप तीनों को अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। और फिर जो मीज़ा हमने तैयार किया है अपना पनीर का, ये हम रखेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, आप अगर इसको ट्राई करोगे तो आपके बच्चे बहुत हैप्पी होंगे और बहुत कहेंगे मम्मा वाओ बहुत अच्छा डिश है। साथ में मैं इसके ऊपर चीज स्लाइस रखूंगी। इस तरह से हम पनीर के कुछ स्लाइसेस इस तरह से जूलियंस हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इसे थोड़ा सा जो हमने घोल बनाया था उसे इसके साइड में लगा देंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए। और इस तरह से इसे हम धीरे धीरे हाथों की मदद से फटे ना, देखिए मेरा सीट कितना पतला है तो पूरा आपको मीज़ा दिखाई पड़ रहा है, पूरी फीलिंग दिखाई पड़ रही है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट हम दूसरा बैच तैयार करेंगे। इस तरह से अगर आप रोटियां बना के रखेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। देख लीजिए आप, इस तरह से मैंने रोटियां बना के रखी है फ्रेंड्स। इस तरह से रोटियां बनानी है हमें। और इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, हम इसमें ग्रीन चटनी और मेयोनीज अप्लाई करेंगे। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप इसमें कौन सी चटनी यूज़ कर रहे हैं, कैसे आपके बच्चों को पसंद है। इसमें आप बटर का यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से इसे हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। नेक्स्ट हम जो फिलिंग बनाए हैं फिर इसको अप्लाई करेंगे एक साइड में। इसमें आपको देखिए कितना हेल्दी है, इसमें आपके बच्चों को टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च सब कुछ मिल रहा है, साथ में एक हेल्दी है। ठीक है, ओके आई विल। देखिए देन मैंने इसमें फिर से चीज़ स्लाइस अप्लाई किया है नेक्स्ट वाले रोल में, आप देख सकते हो इस तरह से। और मैंने कुछ कच्चे पनीर का यूज़ किया है। और थोड़ा सा मैं इसमें ग्रीन चटनी अप्लाई करूँगी ऊपर से, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा सा। और इसे हम इसी तरह से रोल बनाएंगे धीरे धीरे। सीट अगर आपकी अच्छी बन गई तो फिर तो आपका रोल एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा। आप देख सकते हो इस तरह से मेरा रोल बनकर रेडी है। सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लिजाम लेंगे, वो घोल लेंगे। अच्छा, आप रोटी के बारे में पूछ रहे थे, ब्रेड क्रम्स देना ट्रांसफर कर दो। आप रोटी के बारे में पूछ रहे थे, मैंने मैदा लिया है, मैंने मैदा में एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल डाल लो, आप देसी घी डाल लो, कुछ भी डालो। देखिए फ्रेंड्स ये ब्रेड क्रम्स है, मैंने ब्रेड को हल्का सा धूप में रख के सुखाया था और इसको मैंने हाथों की मदद से क्रम कर लिया है, क्रम्बल। देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्स बन गया मेरा और हमारा ऑयल भी हो रहा है अच्छे से गर्म। अब मैं इसको इसमें पोर करूंगी इस तरह से। इसमें आपको हाथ का यूज़ करना ही है, बिना हाथ का यूज़ किए ये होगा नहीं।
उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स पे रखेंगे। नेक्स्ट भी मैं कर लूँगी साथ में ही। इसे अच्छे से हम लॉक कर देंगे और इसे हम ब्रेड क्रम्स में पोर करके, मैं अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो, स्किप मत करिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बनने के बाद देखिएगा किस तरह से ये लगता है। मैं बना रही हूँ पनीर शाही रोल, आप बोल सकते हो इसको क्रंची काठी रोल भी, पनीर काठी रोल, क्रंची काठी रोल, काफ़ी नाम है। देखिए इस तरह से इसको हम अच्छे से बिल्कुल कोट कर देंगे हाथों की मदद से। इस तरह से एक बार मैं अपना घी का पोजीशन देख लूँगी, ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। एनी क्वेरीज, किसी को कुछ पूछना है? रिकैप, हाँ हम बना रहे हैं पनीर रोल, पनीर शाही रोल, आप बोल सकते हो इसको काठी रोल की तरह भी बन सकता है, ये क्रंची काठी रोल भी है। फ्यूज़न का ज़माना है तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ मैं नया करूं और अच्छा करूं, तो मैंने बच्चों के लिए ये बनाया है। हमने शिमला मिर्च लिया है, इसमें गाजर लिया है, पनीर लिया है, इसको को मैंने कट कर लिया है जूलियंस में, मोटे मोटे जूलियंस में। फिर मैंने पैन में ऑयल डाला है, उसमें मैंने जिंजर डाला है, ग्रीन चिली डाली है, उसके बाद मैंने कैप्सिकम डाला है, सौते किया अच्छे से। कैप्सिकम के बाद मैंने तुरंत प्याज डाल दिया। प्याज को हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि पहले डालने पर प्याज का क्रंच ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम प्याज को बाद में यूज़ करेंगे। देखिए हमारा रोल हो रहा है और उसके बाद मैंने इसमें क्यूमिन पाउडर, ग्रीन रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स डाला है और साथ में सॉल्ट का यूज़ किया। सॉल्ट के यूज़ से मेरा अच्छे से सारा वेजिटेबल गल गया। देखिए हमारा रोल कितने अच्छे से लाल हो रहा है। हमें हाई फ्लेम पे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। मैं आपको फीलिंग फिर से दिखा देती हूँ, जो अभी जुड़े हो फीलिंग देख ले, फीलिंग से ही उन्हें समझ में आ जाएगा। इसमें पनीर है, शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है, क्यूमिन पाउडर है, चिली फ्लेक्स है, टमाटर सॉस है, चिली सॉस है और थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला है 1/4। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। और मैं फिर से सीट दिखा देती हूँ, मैंने सीट इस तरह से बनाया है जो कि इस तरह से है, आप देख सकते हो सीट को, देखिए इस तरह से सीट बना है, आप देख रहे हो सीट, सीट मेरे हाथों को बिल्कुल देखिए दिख रहा है, मेरा हाथ इससे आपको दिख रहा होगा सीट से। और हमारा शाही रोल फ्राई हो रहा है अच्छे से, देखिए फ्रेंड्स किस तरह से ये फ्राई हो रहा है, काफ़ी क्रंची और काफ़ी अच्छा, बड़े को सबको ये काफ़ी पसंद आएगा ये डिश, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। हाँ सीख, सीख के लिए मैंने मैदा लिया है और थोड़ा सा उसमें मैंने अमूल का देसी घी यूज़ किया है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसका मैंने डो बनाया है,
और मैंने एक पेड़ा लिया है, एक मेरे हाथ की तरफ करना, मैंने एक पेड़ा लिया है और एक पेड़ा लिया इतना बड़ा सा, फिर मैंने दूसरा पेड़ा लिया इस तरह से, मैंने एक दूसरे को चिपकाते गई। जब मेरी रोटी 4-5 बन के रेडी हो गई तो मैंने ऑयल और मैदे की मदद से उसको एक बाई एक परत लगाते गए, जैसे हम समोसा का सीट बना के रखते हैं वैसे बनाया। और तावा मैंने गर्म होने रख दिया था, बेला और तावे के ऊपर डाला, तुरंत डाला फिर तुरंत पलट दिया दूसरा सीट दूसरी तरफ, दोनों तरफ हमारा सिक गया। देखिए इस तरह से हमारा दोनों तरफ सिकता है, फर्स्ट वाला सीट हमारा इस तरह से सिक के तैयार होता है, देन उसके बाद उसके अंदर का सीट इस तरह से बिल्कुल इस तरह से तैयार होगा। देखिए कितना क्रंची क्रंची है, हमारा ऑयल भी खुश हो रहा है कि कितना सुंदर लग रहा है, कुछ बना है जो बड़ा काफ़ी खूबसूरत है। और रोटी जब भी बनाएं तो उसको ढककर रखें, बिल्कुल खुला ना छोड़ें। मेरा रोल तैयार हो गया है, इसकी कटिंग मैं करके दिखाऊंगी आपको, आप देख सकते हो रोल बिल्कुल रेडी है। मैं टॉन की मदद से जिस तरफ लग रहा है आपको अच्छे से नहीं सिखाया है उस तरफ आप सेक सकते हो, और इसको हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये हल्का ठंडा हो जाए, हम इसकी कटिंग करेंगे। आप नाइफ से, पिज्जा कटर से, किसी चीज से भी कटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसकी फीलिंग इस तरह से आएगी। मैंने आपको दिखाने के लिए फीलिंग बिल्कुल निकाल के दिखाया है कि फीलिंग भी नजर आए। सो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको और आपके बच्चों को ये कैसा लगा। What are you making? मैंने बनाया है पनीर शाही रोल, मैंने दो तरह से आपको प्लेटिंग करके दिखाई। आप देख सकते हो इसमें भी थोड़ा सा मैं इस तरह से मैंने कुछ आप लोगों के लिए
सुपर डिलीशियस। थैंक यू सो मच। मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग गार्निशिंग कर सकते हो। प्रेजेंटेशन लुक्स गुड। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। आप देख सकते हो इसकी फीलिंग बिल्कुल दिख रही है अच्छे से, और इसमें आप सैलेड का यूज़ करके भी इसको खाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू अमूल कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेशन पे फिर मिलते हैं कुछ नई सी रेसिपी लेकर, अच्छी सी इनोवेटिव रेसिपी जो आपको और आपके बच्चों के लिए अच्छी और हेल्दी हो। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं हेल्दी डिश बनाऊं, और ये काफ़ी हेल्दी है। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं और इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा पसंद करते हैं। और इसको रोटी की तरह सेक के खा भी सकते हैं, फ्रेंकी की तरह इसको सेक के भी आप खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ओके बाय।